we are with Mohd Kashif, and he secured gate earlier like 16 in computer science discipline. And so in this video, हम लोग मोहम्मद काशिफ से बात करेंगे कि उनका experience कैसा रहा, उन्होंने gate के बारे में किस तरीके से preparation की, किस subjects में कहाँ पर को कैसी problems आई, how he solved all these problems, और किस तरीके से जो future aspirants हैं उनके लिए क्या suggestions हैं, किस तरीके से उनको prepare करना चाहिए, तो वो सब चीजें हम इस video के अंदर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप गेट 2020 या गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड ही इज फ्रेशली इन 2019 गेट 2019 ही सिक्योर्ड गेट ऑल इंडिया रैंक 16। उसके बाद काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि आपको आईआईटी बैंगलोर ज्वाइन करना है, आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना है, आपको कौन से कॉलेजेस ज्वाइन करने हैं, वो सब भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज करते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। So, hello Mohd. Hello sir. How are you? I'm fine sir. Good. So, first of all, before we start the discussion, I want you to give a brief introduction about yourself to the viewers, because काफी बच्चे हैं जो आपके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने बारे में आप थोड़ा सा introduction दीजिए उनको। Hello everyone. My name is Mohd Kashif Khan. I have secured All India rank 60 in computer science branch. I am currently pursuing BTech from IIT Lucknow. So it is IIT Lucknow, right? Yes sir, IIT Lucknow. So, Mohammed, before we start, I just want to know कि आपने किस कब ऐसा प्लान किया कि आपको गेट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब आपके काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसाइड कि आफ्टर बीटेक के वो गेट के लिए तैयारी करनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक में उनको इतनी क्लैरिटी रहती है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, यस सर, तो आपने कब प्लान किया कि आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर मेरे थर्ड ईयर से क्लियर हो गया था कि मुझे गेट का एग्ज़ाम देना है, और क्योंकि मैं सीनियर्स को भी देखता था, फिर आगे गेट की वजह से स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, आगे आप एमटेक करके अच्छी कंपनीज में भी प्लेस्ड हो सकते हैं, या अगर आपको पब्लिक सेक्टर्स ज्वाइन करने हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो मुझे थर्ड ईयर में मेरा प्लान बन गया था कि मुझे गेट का एग्ज़ाम तो देना ही है, तो फिर मैंने अभी जून जुलाई से प्रिपरेशन शुरू की थी 2018। तो अभी आप इस समय पर करंटली आर इन कॉलेज? यस सर, अभी मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में हूँ सर। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट काशिफ ने जो अपना पहला जो रैंक लिया है, दिस इज इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सो ऑब्वियसली अगर वो और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट देंगे ही कैन गेट अ वेरी गुड रैंक अगेन, बट जो ऑल इंडिया रैंक 60 इटसेल्फ इज वेरी अप्रिशिएबल। सो काशिफ, आपने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो कि अपनी कॉलेजेस के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पाते, यस सर, तो आपने अपनी कॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन कैसे की, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? सर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि गेट एग्ज़ाम अलग है और प्लेसमेंट की चीज़ें अलग है, बल्कि ऐसा रियलिटी में ऐसा है नहीं। मतलब अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने कोर सब्जेक्ट्स देखो, आप सी पढ़ते हो, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, आखिर यही तो आगे प्लेसमेंट में भी चाहिए सर। तो मेरा क्या था कि मैं गेट की तैयारी करता था और मुझे पता था कि गेट की जो नॉलेज है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में ज़रूर यूज़ होगी, तो मैंने प्लेसमेंट में कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, और गेट की तैयारी के बेसिस पर मेरा दो कंपनी में सब प्लेसमेंट भी हुआ था। किस कंपनी से आपका सिलेक्शन हुआ था काशिफ? सर एक ग्लोबल लॉजिक है, दूसरी पे सेकंड में सर। ओके ग्रेट। सो अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल योर प्लान यू गॉट ऑन लिविंग 60, तो अभी आपका क्या प्लान है, वांट टू जॉइन आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बैंगलोर और व्हिच कॉलेज यू वांट टू जॉइन? सर आई वांट टू जॉइन आईआईटी बॉम्बे सर। आईआईटी बॉम्बे, सो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? नो सर, बस पहले से ही सर इंटरेस्ट था कि आईआईटी बॉम्बे जाना है। ओके तो great, so what was your strategy to prepare for gate? आपने किस तरीके से प्लान किया, किस तरीके से आपने गेट के लिए प्लान किया, कैसे आप स्टडी? सर पहली चीज़ से पता होना चाहिए कि गेट में क्या सब्जेक्ट्स आने हैं और उनका वेटेज कितना है। जैसे मुझे पता था कि सी, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इनका कंबाइन वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो मेरा पहला फोकस यही था कि मेरा ये पार्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। और जो लोग कोडिंग करते रहते हैं कॉलेज की लाइफ से, या तो उनकी ऑब्वियसली ये चीज़ ठीक होती है, क्योंकि गेट में कोई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं पूछते हैं, नॉर्मल आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कोई नॉर्मल भी कोडिंग थोड़ी बहुत कर रहा है तो उसका आती है, अगर तब भी किसी कोई कोडिंग नहीं भी कर रहा है तो नॉर्मली अपना सी, डाटा शेयर करते हैं इसको अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्स 20 मार्क्स तो मेरे ख्याल से इससे आते ही आते हैं ओवरऑल मिला के। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि सी, डाटा शेयर एल्गोरिथम तो अच्छा कर लूँ। उसके बाद जब मैंने शुरू किया था सब्जेक्ट्स, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था सी ओ, फिर सब्सिक्वेंटली जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे मैं उनको एक साथ पढ़ता था, जैसे आपका ऑटोमेटा कंपाइलर है इनको साथ में पढ़ता था, सी ओ, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो रिलेटेड सब्जेक्ट आके एक सब्जेक्ट खत्म हो तो उसका मैं यूज़ अगले सब्जेक्ट्स में कर सकूँ, तो इस तरह से पढ़ता था। तो आपको टोटल कितना टाइम लगा गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए? सर अप्रॉक्स 6 to 7 months। 6 to 7 months, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी साल लगाते हैं प्रिपरेशन में। मैंने देखा कि स्टूडेंट जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल से गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर कोई और भी एग्जामिनेशन है, नॉट जस्ट गेट, यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, एनी ऑफ दीज एग्जामिनेशन, तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो 2-3 साल इनकी प्रिपरेशन में लगा देते हैं। बट आई फेल्ट इज कि जितने भी लोगों से मैंने बात की है कि आपको इतने टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आप सिंसियरली एफर्ट कर रहे हैं और आप अगर 3-4 महीने या 5 महीने तक आपने सिंसियर एफर्ट किया तो गेटिंग टू टॉप रैंक्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. यस सर. तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप अपने एफर्ट के साथ सिंसियर नहीं है, अगर आप बहुत सिंसियरली एफर्ट नहीं कर रहे, आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं और स्टडीज़ करते करते आपने मोबाइल फ़ोन खोल लिया, या फिर अगर आप लेट अस सपोज आप यूट्यूब पर आए हैं किसी वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, लेकिन देखते देखते सजेशंस में आपको बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मिल गए या कोई टीवी सीरीज मिल गई, आपने वहाँ पर अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, तो उस केसेस से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. आपको टोटली फोकस्ड स्टडी चाहिए, राइट? सो आप अपनी स्टडीज के दौरान अपना फोकस किस तरह से मेंटेन करते थे? बिकॉज स्टूडेंट जो है इट्स वेरी इजी दीस डेज टू डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ. आप कुछ देखने चल जाते हो और कुछ और चल जाते हो, तो किस तरह से अपनी स्टडीज? सर, मेरी चीज़ यही है, अगर आप पढ़ तभी सकते हो जो आपको इंटरेस्ट हो. अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ पढ़ोगे तो आप पढ़ ही नहीं सकते, आप डाइवर्ट हो गए होगे. डाइवर्ट तो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कितना है. तो आप अगर कोई बिगनर है, कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ज़रूर ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है. तो जब भी स्टार्ट करे तो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करे. फिर जब उसे कुछ सब्जेक्ट्स खत्म होने लगेंगे ना, जब 2-3 सब्जेक्ट्स फिनिश होंगे, जब उसका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं फिर उस पर अपने आप इंटरेस्ट आएगा कि आप मुझे अगर क्योंकि प्रिपरेशन कर रहा है, तो जब इंटरेस्ट आएगा फिर डाइवर्जन होगा नहीं सर. एंड व्हाट वाज योर टफेस्ट पार्ट, आई मीन गेट प्रिपरेशन के दौरान सबसे मुश्किल आपको क्या लगा? सर, टफेस्ट पार्ट तो ये होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो अब ये नहीं समझ में आता रिवाइज के, क्योंकि जब आखिरी के 1-2 महीने बचते हैं तो ये रहता है कि हम रिवाइज अच्छे से हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भूल रहे हो या ये चीज़ है. तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें ऐसे प्रिपरेशन करनी है और फिर इसके बाद ऐसे हमें सारी चीज़ें रिवाइज करनी है. तो आपकी रिविजन स्ट्रेटजीज क्या थी? सर, रिविजन था सपोज कि मैंने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उसके बाद मैं डिसाइड रखता था कि जैसे एक हफ्ते में मैं 6 डेज नया सब्जेक्ट पढ़ता था और जो संडे वाला डे जो रहता था मैं कुछ नया नहीं पढ़ता था, उसमें जो पुराना पढ़ा है उसे को रिवाइज करता था, चाहे मैं क्वेश्चंस लगाऊं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन एक दिन सिर्फ पुराना ही पढ़ता था. तो मतलब आप वीकली रिविजन? ये सर, वीकली रिविजन करता था जो सब्जेक्ट मुझे लगता था कि भूल रहा हूं उसको वीकली रिविजन. तो आपने सिलेबस, आपने जो पूरा सिलेबस है उसको आपने 6 महीने में एक बार स्टडी किया या 2 बार, कितनी बार आपने सिलेबस पूरे सिलेबस को रिवाइज किया? सर, रिवीजन ऐसे होता है जैसे मैंने सिलेबस पढ़ा एक ही बार था, फिर अब जब मुझे क्वेश्चंस लगाने होते थे तो मैं कभी ऐसा नहीं होता कि दोबारा रिवाइज करके फिर क्वेश्चन लगाऊं, सीधा क्वेश्चन लगाता था. अगर क्वेश्चन लगाने में मुझे लग रहा है कि मैं ये भूल गया हूँ तो वो टॉपिक रिवाइज करता था. अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार जब फिर क्वेश्चन लगाना है तो फिर से रिवाइज करने बैठ जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर उसी से पहले फिर रिवाइज कर लेंगे, अब असली में गेट एग्जाम से पहले आप सब कुछ तो रिवाइज नहीं करके जा सकते ना, तो इसलिए इस तरह से मैं फॉलो करता हूं. तो बेसिकली काफी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है, मैंने खुद भी नोटिस किया, मेरे साथ भी ऐसा इशू था. एक एग्जाम्पल देता हूँ, 10th क्लास में जब स्टूडेंट्स टीचर्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, तो उन्होंने मैथमेटिक्स की बुक से वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन वो मैथमेटिक्स की बुक से हमेशा वो चैप्टर पहले खोलते थे जो उनको सबसे अच्छे से आता है, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है. तो ऑब्वियसली अगर आप जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है उसको बार बार अगर आप उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे तो जो चीज़ आप नहीं आती वो आप कैसे रिवाइज करेंगे? तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, लेट अस सपोज आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेट अस सपोज सब्जेक्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद उसमें काफ़ी पोर्शन से बहुत ईजी है, जो एक ही बार आप स्टडी करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, उसके सभी क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन जब आप उस, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा पोर्शन है मुझे दोबारा से रिवाइज करना है, या कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है? वो आपको पता चलेगा बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आप पढ़ो, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, मे बी आपने उसको एज्यूम करो कि आपने एक बार उसको रिवाइज भी कर लिया, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है और किस पोर्शन को दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है. इससे आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा और इससे आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी होगी. तो काशिफ जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, वी प्रोवाइड क्वेश्चन फॉर गेट, इवन आपके इसरो के क्वेश्चन जो है बच्चे को लगाते हैं, आपके DRDO के क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके बार के क्वेश्चन भी आते हैं UGCET क्वेश्चन में. तो आपने किस किस सोर्सेज से अपने क्वेश्चन को रेफर किया था और कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन से? सर, मेरी सबसे पहली चीज़ जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सॉल्व करना ही चाहिए. फिर सेकंड आता है जो जैसे TIFR के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है सॉल्व करना चाहिए. थोड़े उनके लेवल्स होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, तो मैंने TIFR के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. बाकी जो इसरो DRDO के क्वेश्चन जो नेट पे अवेलेबल थे वो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, जो रिलेटेड हैं गेट से रिलेटेड क्वेश्चन. UGC NET के मैंने डिसेबिलिटी और अनडिसेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. कई बार बच्चों को क्या होता है कि उसमें डाउट्स बहुत आते हैं डिसेबिलिटी अनडिसेबिलिटी में, तो जो UGC NET के क्वेश्चन थे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे. तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन जब हम लोग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है. वो मुझे पता था कि वो गेट में नहीं आना है, लेकिन वो अच्छे क्वेश्चन थे जिसकी वजह से मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया था. तो मैंने UGC NET के मैंने डिसेबिलिटी और अनडिसेबिलिटी के क्वेश्चन लगाए थे. okay.
तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिलेबस आपने कब तक कंप्लीट कर लिया था अपना सिलेबस? सर सिलेबस मेरा दिसंबर से कुछ दिन पहले अप्रॉक्स मतलब कंप्लीट मतलब हो गया। आपने जून जुलाई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया yes, सर। एंड बिफोर दिसंबर आप अपना कंप्लीट सिलेबस आपने फिनिश कर लिया था। ठीक है, तो सिलेबस फिनिश करने के बाद आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था या फिर उससे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पेपर्स को टेस्ट सीरीज आपको देना स्टार्ट किया था? सर क्योंकि मैंने बताया कि बीच में मैं रिवीजन करता रहता था वीकली रिवीजन, तो मुझे पहले से पता था कि मुझे जनवरी में तो टेस्ट सीरीज मतलब देना ही देना है। Correct. क्योंकि एक जो मंथ होता है आपको अच्छे से आपको एनालाइज करना होता है जो पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में पढ़ा है या जो जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। जब लोग प्रैक्टिस करते थे होता क्या था कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो असली तो बात तब है जब आप जब सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाए तो आप अच्छा कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैं प्रैक्टिस इसीलिए वीकली करता रहता था ताकि मुझे ऐसा ना हो कि दिसंबर के बाद से सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़े। तो मेरा प्रैक्टिस वाला जो सब्जेक्ट वाइज पार्ट था वो पूरा था, तो मैंने डायरेक्टली जनवरी में सीधा टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे yes, जनवरी में आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। यस सर। राइट, सो बिकॉज़ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, आपने प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सब्जेक्ट को फिनिश किया या फिर आपने थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट को फिनिश किया, तो जैसे ही आपने पूरा सब्जेक्ट फिनिश किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने ट्राई सॉल्व कर लिया, तो उससे प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कौन सा पोर्शन आपका वीक है। लेकिन फर्दर अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए आप उसका टेस्ट सीरीज का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, आप जरूर दें। आपने थ्योरी ऑफ कंपटीशन का जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है उसको कम्प्लीटली आप थॉरली उसको दें, तो उससे आपको पता चलेगा कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपको रिविजन करने की जरूरत है, और सिर्फ आप उस पोर्शन पर फोकस करें बिकॉज जो पोर्शन आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है तो उसको दोबारा से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो काशिफ अभी जो फॉर एग्जांपल अभी नए जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे प्रिपरेशन के लिए? सर पहली से जब कई लोग होते हैं कि फाइनल ईयर में आके डिसाइड करते हैं कि अब मुझे गेट करना चाहिए, तो अगर किसी कोई ऐसा मतलब पर्सन है जिसको मतलब कोई स्टूडेंट है जिसको मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है उसको, तो मतलब पहले तो अपने आप को इतना मोटिवेट रखना है कि पक्का है कि जब भी स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तो पहले तो उससे डरना नहीं है कि हाँ क्या क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो हम पीछे हट जाएं। तो पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और स्टार्ट फिर वही चीज़ है स्टार्ट वहीं, अगर कोई बिगनर है तो स्टार्ट वहीं से करे जो उसको कहीं थोड़ा बहुत आता हो, क्योंकि जब बिल्कुल अननोन चीज़ आप पढ़ते हो ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आपका इंटरेस्ट वाली चीज़ थोड़ा आप ख़त्म करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। तो अभी आपने गेट का एग्जाम दिया था इस बार और यू आर करंटली स्टिल इन योर बीटेक, तो क्या इसके अलावा किसी और एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया कि कोई और एग्जाम आपने दिया इसके अलावा? ये सर मैंने अभी मैकॉन लिमिटेड एक पीएसयू है उसका एग्जाम दिया है, बाकी मैंने सारे पीएसयू के फॉर्म भरे मतलब जो जो अभी तक आए थे जैसे पोसो को है जो पावर ग्रिड का उसके अंदर आती है वो उसका फॉर्म उसका एग्जाम भर मतलब फॉर्म भरा है, ऐसे जो जो आ रहे हैं मतलब फॉर्म भरा है मैंने। सो बेसिकली अगर आपने एक प्रिपरेशन का लेवल रीच हो जाता है उसके बाद आपको हर एक एग्जाम को देना है, आप किसी एग्जाम को नहीं छोड़ेंगे। राइट, तो ये चीज़ें बहुत जरूरी होती है प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके, बिकॉज ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है आप सारे एग्जाम्स, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फॉर्म अपना कुछ जस्ट मतलब अप्लाई तो करना ही चाहिए। सो काशिफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम डिजीमेंटो, जो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है आपने यूट्यूब से भी स्टडी किया, कुछ टॉपिक्स भी थे स्पेसिफिकली जैसे अपन मंगल ने भी वाई फाई टॉपिक कवर किया था, काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, तो आप जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ और किस तरीके से आपने उससे फॉलो थ्रू किया? सर जैसे जो नया टॉपिक था वाईफाई IPv6 जो अभी जल्दी इंक्लूड हुआ था ये कंटेंट ज़्यादा कहीं अवेलेबल ही नहीं था जो कि डिजीमेंटो चैनल पे अवेलेबल था, तो फिर मैंने वहीं से पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट मेरा वहाँ से बहुत अच्छा हो गया था, मुझे कहीं और से पढ़ने की जरूरत मतलब ज़्यादा पढ़ी नहीं थी उसे, और जैसे सी के क्वेश्चंस थे तो सोचा था कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो जब वहाँ पे आए थे वहाँ पे सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे थे, तो जब वहाँ से करोगे बेसिक से लेकर हर तरह के क्वेश्चन जिस तरह के गेट में आ सकते हैं वो वहाँ पे कवर्ड थे, आपको फिर कहीं से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो तो कहीं ना कहीं कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए थे सर वहाँ से क्वेश्चन लगा के। सो आपने उसके बाद जब आपने टेस्ट सीरीज आपके सॉल्व ज्वाइन किया तो टेस्ट सीरीज में आपको किस तरह से आपका हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सपीरियंस इन योर प्रिपरेशन? सर टेस्ट सीरीज का ये रहता है कि जब हम लोग मतलब क्वेश्चंस देते हैं अब टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस लाने का जिसमें बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना पड़े या कुछ इनोवेटिव क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, तो हम फिर वहाँ पे ये आता है कि हम क्या एग्जाम टाइम में वो प्रेशर फील कर पा रहे हैं, क्या उतना लॉजिकली सोच पा रहे हैं कि नहीं। अभी तक क्या था सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो हम लोग नॉर्मली क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ा तुरंत टेस्ट दिया तो वो नॉर्मल रहता था, जब कई सारे क्वेश्चन एक साथ चलते हैं कई सारे सब्जेक्ट के तो हमारे दिमाग में कई सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो फिर हम किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ही सिखाता है, तो ये चीज़ जो मैंने टेस्ट सीरीज से सीखा। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है टेस्ट सीरीज में कई बार मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभार हो जाते हैं जो गेट के उससे रिलेटेड नहीं होते हैं कभी कभार, तो कोशिश करें जो स्टूडेंट्स उसके पीछे भागे ना,
उसको स्किप करें, ये नहीं कि उसके पीछे कई सारे कंटेंट ढूंढने में पड़ जाएं, क्योंकि आखिरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Correct. तो इतना ध्यान रखें कि जो स्पेसिफिक कंटेंट है गेट का वही पढ़े. सो बेसिकली कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे जॉइन मल्टीपल टेस्ट सीरीज. आपने प्रिपरेशन किया, आप एक इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज लेंगे, दो की लेंगे, तीन की लेंगे, बट पर्सनली आई फील कि उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है. आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो लेकिन उसके जो टेस्ट पेपर्स है वो अच्छे होने चाहिए. कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है जो या फिर जो कंटेंट डेवलपर है जो टेस्ट सीरीज को बना रहे हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी टेस्ट सीरीज के अंदर डाल देते हैं जिसका गेट से कोई रिलेवेंस ही नहीं है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको क्लियरली पता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर टेस्ट क्वेश्चन है इसका गेट से कोई रिलेवेंस नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें बल्कि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जो कि क्वालिटी क्वेश्चन है. गेटिंग क्वालिटी क्वेश्चन इट्सेल्फ इज डिफिकल्ट. आपको एक रिलायबल सोर्स उसके लिए चाहिए कि रिलायबल सोर्स आपके लिए क्या हो सकता है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर आपको टाइम डिवोट करना चाहिए, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा डिवोट नहीं करना चाहिए बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी यूजलेस, राइट. तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज जो है वो आपके प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है. आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है, व्हाट शुड बी योर डिसिप्लिन टाइम टेबल. आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज आपने 10 घंटे पढ़ा और कल को आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये मैंने इशू देखा भी है कि दे आर नॉट डिसिप्लिन. तो वो हर दिन अपनी जो स्टडी है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, स्टडी आवर्स को मेंटेन नहीं कर पाते. तो वैसे जनरली आपका क्या शेड्यूल था, आप किस तरीके से स्टडी करते थे, हाउ डू इन मॉर्निंग यूज टू स्टडी, किस तरह से आपने? सर जनरली प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो सोचते हैं मैं इतने घंटे पढ़ने हैं. अब जब आप सोच रहे हो कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं आप कभी नहीं पढ़ोगे. तो अगर आप ऐसे सोचो कि आपको ये कॉन्सेप्ट ये टॉपिक्स कवर करना है. अब मेरे साथ क्या होता था, मैं ये नहीं सोचता कि दिन या रात, ऐसे सोचता था कि मुझे इतना टॉपिक कवर करना है, जैसे ये टॉपिक कवर होगा मैं फ्री हो जाऊँगा. तो मैं कॉलेज की और टीम्स में भी था, खेलता था, चेस खेलता था, तो वो सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व था. तो मैं क्या करता था, एक टॉपिक मतलब देख लेता था, पहले दिन डिसाइड कर लेता था एक दिन पहले कि मुझे ये कौन सा टॉपिक्स कवर करने हैं अगले दिन. तो मैं वो टॉपिक्स जितना, क्योंकि जब आप टॉपिक डिसाइड करते हो ना तो आप कोशिश करते हो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो. तो टॉपिक्स फिर मैं टॉपिक वाइज क्योंकि डिसाइड करता था तो जल्दी से जल्दी टॉपिक्स खत्म होते थे तो मैं और भी काम कर सकता था. अब जो लोग आवर वाइज डिसाइड करते हैं वो अगर 10 घंटा बैठते भी हैं तो जो यूज़फुल टाइम होता है वो खाली एक दो घंटा, दो तीन ऐसे ही हो पाते हैं. तो सबकी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं. जैसे कि काशिफ ने बताया ये ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे कि टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने में, यानी कि वो अगले दिन का जो शेड्यूल है, अगले दिन आपको क्या स्टडी करना है वो आज ही डिसाइड कर लेते थे. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके टाइम मैनेजमेंट है, ये आपको सिखाता है एक्चुअल में कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये भी देखा जाता है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो गेट एग्जामिनेशन है वो 3 आवर्स का एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पर 3 घंटे में आपको डेडिकेटेड फोकस चाहिए. तो जब आप अपने प्रिपरेशन आवर्स को आप डिसाइड करें, जब आप स्टडी कर रहे हैं, एक इस तरह की आप हैबिट बना लीजिए, इस तरह की सिटिंग हैबिट बना लीजिए कि जो 3 घंटे जब एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप टोटली फोकस हो सके. अगर आप उस समय पर फोकस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फोकस लूज कर देंगे, और जब आप एग्जामिनेशन के बीच में फोकस लूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए जिससे आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफर करेगी. तो इस बार क्या हुआ है कि इस बार आप गेट जो गेट का जो कट ऑफ है कंपैरेटिवली बाकी ईयर्स, इस बार कट ऑफ भी काफ़ी गया है और इवन काशिफ ने काफी अच्छा स्कोर किया. व्हाट वाज योर गेट, हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड इन गेट? आई हैव स्कोर्ड 77.33 मार्क्स. तो काशिफ ने 77.33 मार्क्स स्कोर किए. अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल से या फिर उससे पिछले साल का जो 2017 का जो गेट एग्जामिनेशन था, तो यू विल सी कि 77 मार्क्स में पीपल वर इन टॉप 10 रैंक्स. तो काफ़ी डिफरेंसेस जो हैं इस बार, काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं. आपका जो गेट की जो ओवरऑल कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ, गेट का जो मार्क्स इंक्रीज हुआ. ऐसा इसका रीज़न है कि ये भी हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर है कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहा. yes. क्योंकि सभी ने ज़्यादा काफ़ी अच्छा स्कोर किया है. yes. तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफ़िकल्ट आए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वो क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने प्रिपरेशन की है. और जिसने जनरली प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो वो फिल्टर आउट उसमें हो जाता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर एज कम्पेयर टू गेट ए इजी क्वेश्चन. तो उससे अभी कट ऑफ भी डाउन हो जाती है और आपकी रैंकिंग भी ज़्यादा इंप्रूव होती है. सो काशिफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ इस समय पर जो अभी फाइनली जो अब आपको देख रहे हैं, तो उनके साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहोगे जो उनको फ्यूचर में उनको बेनिफिट करें, कुछ ऐसा जिससे जहाँ से वो प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे कि आपने बताया कि यू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम गेट ओवर फ्लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज, यू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स, यू ऑल्सो टेकन द प्रीवियस ISRO क्वेश्चन पेपर्स, DRDO क्वेश्चन पेपर्स, ऑल दीज क्वेश्चन पेपर्स. तो ओवरऑल अगर मैं किसी बच्चे को बताना चाहूँगा, अगर आप किसी से इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो ऐसा क्या है, ऐसा कुछ टिप्स जिसको बोलते गुरु मंत्र की जो बच्चा उसको फॉलो करे और उसका रैंक आ जाए?
सर जैसे आपने कहा गुरु मंत्र को, तो गुरु मंत्र यही है कि पहली चीज़ जब भी शुरुआत करें तो कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, क्योंकि गेट एग्ज़ाम पूरा सिर्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आपके अंदर जो आपको लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है ना वो भी सॉल्व होगा, और अगर आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ईजी वाला क्वेश्चन भी आप गेट में गलत करके होगे। तो पहली चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लोगे। जब आपने प्रिपरेशन शुरू की है उस डे से आप ये ध्यान रखो कि आपको करना है तो आप करोगे, पहली चीज़ तो ये है। फिर जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो एक मतलब प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे कंटेंट के पीछे भागते हैं, इधर कोचिंग उधर कोचिंग, मतलब उन्हें हर तरफ से कंटेंट चाहिए होता है। आप एक बार किसी जो रैंक होल्डर्स हैं या किसी टीचर से मिलके आप एक बार डिस्कस कर लो कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, आप कंटेंट लाओ एक बार में, फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास गेट का सिलेबस है, आप उसको फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट अपना प्रिपेयर करो। अब ये रहता है कि आप क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन रिलीवेंट है कौन से नहीं है। तो गेट ओवरफ्लो जो मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि गेट ओवरफ्लो की अभी एक नॉर्मल बुक भी आने लगी, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, TIFR के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब हर जो भी मेन मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप उस गेट ओवरफ्लो की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और रहता है, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो कई बार हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, अब हमें समझ नहीं आता, उस समय कोई होता नहीं है, जैसे जो लोग ड्रॉप आउट्स होते हैं, क्योंकि जब कॉलेज टाइम पे जैसे मेरे साथ तो मेरे दोस्त थे तो मैं उनसे डिस्कस कर लेता था, लेकिन कई बार होते हैं लोग बाहर रूम लेके रहते हैं या कुछ होता है तो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई टीचर है, कोई टीचर मतलब कांटेक्ट में, या किसी से अगर वो डिस्कस कर लें तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कई बार होता है एक ही डाउट है वो दो तीन दिन तक क्लियर नहीं हुआ, फिर वो डाउट ही रह जाता है एग्जाम तक। तो अगर कोई ऐसा टीचर हो तो इसके लिए मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, कि डीजी वेंटो सर हिमांशु सर ने मुझे बहुत गाइड किया था, जब भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर को भेजता था, तो सर जितना जल्दी पॉसिबल हो सके सर रिप्लाई करते थे। और ऐसे ही कई सारे मॉक टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं, जैसे अप्लाइड गेट है वहाँ पर उन्होंने कुछ फ्री मॉक टेस्ट रखे थे, और उसमें उन्होंने मोटिवेशन के लिए कुछ प्राइज़ मनी भी रखा था, कि जैसे अगर आप 1 to 10 रैंक लेकर आते हो तो आपको 6000 प्राइज मिलेगा। तो जब एक तरह जब गेट का एग्ज़ाम पास में आता है ना, तो आपके अंदर जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, आप लोग भी मतलब दे सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, गेट के एग्ज़ाम टाइम, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है इससे। सो बेसिकली इफ यू गाइस जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको भी अगर कुछ डाउट्स आते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग डाउट्स इन योर सिलेबस, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप अटक जाते हैं या उसको सॉल्व नहीं कर पाते, यू कैन ऑलवेज सेंड अस द क्वेश्चंस इन आवर ईमेल आईडी, जो भी इस वीडियो में आपको नीचे मिल जाएगा डाउट की ईमेल आईडी। तो जो हमारी जो टीम है, द टीम ऑफ फैकल्टीज, दे आर गोइंग टू टेक योर डाउट, उसको रिजॉल्व करके एज सून एज पॉसिबल वो आपका सॉल्यूशन देंगे। बिकॉज हमारा जो मेन एम है वो सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स की हम लोग हेल्प कर पाएंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा रहेगा, राइट? सो थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सर, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो, एंड होप टू मीट यू सून, ओके, थैंक यू सर, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।